Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो नहा धो के चाय कॉफ़ी के साथ हमारे शो को एंजॉय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ये कहता है कि आपको हमेशा अपना जो काम है इतनी शांति से करना चाहिए कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। मतलब आपको ज़मीन पे रहना चाहिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ज़्यादा शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो दिखाना है रिजल्ट में दिखाना है। बहुत लोग बोलेंगे आपको, बहुत लोग टोकेंगे आपको, पता नहीं क्यों हमारे ये रिश्तेदारों को और आसपास के लोगों को हमसे ये प्रॉब्लम होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है ना जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को छोड़िए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का मैं कह रहा, तो आप अपने गोल की तरफ हमेशा एकदम एकदम कॉन्फिडेंटली लगे रहिए और आपका सिलेक्शन होना ही होना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और स्टार्टिंग करते हैं इंडेक्स के साथ। और क्या क्या आपको हम पढ़ाने वाले हैं ये न्यूज़ आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास है आज। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पर्सन इन न्यूज़ से लेकर एक्स्ट्रा लाइट तक हम आपको पढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं आपको पर्सन इन न्यूज़ से। और पर्सन इन न्यूज़ में हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की हम बात करने वाले हैं, सेकेंड रेजिग्नेशन इन यस बैंक। यस बैंक में दूसरा रेजिग्नेशन हो गया है। कल हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी और आज एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। तो यस बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुकेश सबरवाल, तो मुकेश सबरवाल आपको इनका नाम दिखाई पड़ रहा है, आज थोड़ा सा हाईलाइट करने में दिक्कत हो जाएगी। मुकेश सबरवाल वॉज स्टेप डाउन फ्रॉम द लैंडर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिवोट हिज टाइम टू अकेडमिक परस्यूट। तो बोर्ड ऑफ यस बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मुकेश सबरवाल, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और कल की न्यूज़ क्या थी, अजय कुमार की। अजय कुमार जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, आज थोड़ा टच में प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो शायद हाईलाइट ठीक से मैं कर ना पाऊँ, कुछ दिक्कत है। तो अजय कुमार जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा कर दिया था। तो अजय कुमार जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो भी अपना रिजाइन कर चुके हैं, और मुकेश अग्रवाल जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे यस बैंक के, उन्होंने भी अपना रिजाइन कर दिया है। तो ये दोनों रेजिग्नेशन आपको मैंने एक बार फिर से याद करा दिए हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला 2004 में। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप देख पा रहे हैं, और ब्रह्मदत्त चेयरमैन है और रवनीत गिल एमडी और सीईओ हैं। रवनीत गिल एमडी सीईओ, ब्रह्मदत्त आपके चेयरमैन हैं, ठीक है, तो याद कर लेंगे, ये यस बैंक के बारे में बात हम कर रहे हैं। चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमडी और सीईओ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन अपॉइंट हुए हैं, ये भी एक करंट अफेयर्स ही है, रिविजन है आपका, और आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नितिन चुग, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अपॉइंटमेंट पर फिर से एक बार। तो अपॉइंटमेंट में क्या क्या लेकर न्यूज हम आपके लिए आए हैं, देखिए यहाँ पर ओला हायर्ड प्रशांत कुमार एज डायरेक्टर। ये प्रशांत कुमार कौन है पता है, ये नीति आयोग के जो राजीव कुमार जी हैं उनके लड़के हैं, प्रशांत कुमार, आइए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो ओला हायर्ड नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार सन
प्रशांत कुमार एज इट्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी. तो डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं प्रशांत कुमार. आप इनका नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं. गाइस थोड़ा सा आज हाईलाइट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक आप भावनाओं को समझेंगे. प्रशांत कुमार एज इट्स डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी. तो ये आनंद शाह जो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हेड हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे. आपको इतना कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे पढ़िए कि प्रशांत कुमार को ओला ने एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया. सिंपल सा लाइन, एक लाइन में पूरी कहानी खत्म. और ये नीचे पूरी कहानियां, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर ओला के बारे में. ओला का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ओला के सीईओ हैं भविष्य अग्रवाल और अंकित भाटिया सीटीओ हैं, जो कि आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है. ओला 3 दिसंबर 2010 को फाउंड की गई और हेडक्वार्टर आपको मालूम चले गया. सीईओ और सीटीओ का नाम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रपेश. एक्चुअली आप कहीं पर भी स्पेलिंग सुनेंगे तो ए जे ए आई ही लिखा हुआ है कई साइट पर, तो ये देखने के बाद ही मैंने आपको यहाँ पे दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उबर इनका कॉम्पिटिटर है, तो उबर के बारे में बात कर लें. उबर एक बड़ी कंपनी है. तो उबर का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, आप देख पा रहे हैं. और रोनाल्ड सुगर चेयरमैन है और डारा खोर्शवर्स्की सीईओ हैं. रोनाल्ड सुगर का नाम याद कर लीजिएगा, उबर के चेयरपर्सन है. इनका भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहीं पर एक क्वेश्चन, Who has assumed office as President of the Confederation of Indian Industry? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए, और आपको इसका भी आंसर देना है. क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विक्रम किर्लोस्कर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. याद करते रहें, हमारे साथ बने रहें, सेशन को लाइक भी कर दें अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो, थोड़ा सा अपना अमूल्य समय निकाल कर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन और, Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Royal Enfield in April 2019? Royal Enfield के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसका चयन किया गया है? ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर भी देना है, पांच ऑप्शन के साथ. चलिए आंसर क्या देते हैं आप देखते हैं. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विनोद के दसारी. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. विनोद के दसारी इज राइट आंसर. गाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की. तो थवरचंद गहलोत, इन्हें कौन सी यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है? याद करिएगा, ये राज्यसभा के नेता, राज्यसभा के लीडर अपॉइंट किए गए हैं अरुण जेटली की जगह पे. आइए इनके बारे में बात करते हैं, थवरचंद गहलोत के बारे में बात करते हैं. देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ राज्यसभा. तो ये लीडर ऑफ राज्यसभा अपॉइंट किए गए हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं, और इनके साथ ही साथ ये अरुण जेटली को रिप्लेस करेंगे. तो थवरचंद गहलोत राज्यसभा के नेता अपॉइंट किए गए हैं अरुण जेटली की जगह पे. ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये भी आपको लर्न करनी है. हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है आज, तो पेशेंस के साथ बने रहें. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिखते भी रहें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है. चलिए, तो बताया गया कि मिस्टर गहलोत इज अ राज्यसभा मेंबर रिप्रेजेंटिंग मध्य प्रदेश. तो मिस्टर गहलोत जो हैं ये राज्यसभा के मेंबर हैं और ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा पॉलिटी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में कितने मेंबर्स को मनोनीत किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है. 2 मेंबर, 8 मेंबर, 12 मेंबर, 7 मेंबर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12 मेंबर. आपको हम दिखाते हैं आर्टिकल 80. देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250, out of which 12 members are nominated by the president and 238 are representative of the state and of the two union territories. अच्छा, अभी की कंडीशन देख लें तो लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 हैं. इलेक्टेड 543 होते हैं, मतलब लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं. तो आपको यह भी दिखाई पड़ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम में काफ़ी आते हैं, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनमोहन सिंह अब राज्यसभा में मेंबर नहीं बनेंगे, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है. तो मनमोहन सिंह वॉज द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट, मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के मेंबर थे, ये आपसे पूछा गया. पंजाब से थे, बिहार से थे, हिमाचल प्रदेश से थे, असम से थे या उत्तर प्रदेश से थे? आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असम. यहाँ पे साधना बता रही है कि आर्टिकल 80 में राष्ट्रपति 12 आयरलैंड के संविधान से लिया गया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, तभी तो मैं आपको रॉकस्टार कहता हूँ. चलिए तो असम इज राइट आंसर. हम आगे बढ़ते हैं. ये न्यूज़ मैं कल आपको दे चुका था लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा. तो एशले बार्टी बिकेम वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस प्लेयर.
तो एशले बार्टी नंबर टू प्लेयर बन चुकी हैं, आपको पता है कि अभी ये फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता और ये फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई लेडी बन चुकी हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन लेडी, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको वैसे पॉइंट, देखिए Ashleigh Barty has risen to the number 2 position from number 8 in the latest Women Tennis Association ranking. तो 8 नंबर पे थी, जो सेकंड नंबर पे आ गई है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे देखिए यहां पर नाओमी ओसाका है, आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा है, वुमेन्स टेनिस प्लेयर जापान की है नाओमी ओसाका। तो फर्स्ट नंबर पे नाओमी ओसाका है, सेकंड नंबर पे Ashleigh Barty हो गई है। Ashleigh Barty जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, आपको दिखाते हैं और भी न्यूज़ में। देखिए Barty is the first Australian woman to win the French Open since Margaret Court in 1973. मतलब Margaret Court के बाद French Open जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियन महिला है। तो 1973 के बाद ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन लेडी हैं। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या दे सकते हैं आपको यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर एक रिवीजन वाला पॉइंट आपको हम दे रहे हैं। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ध्यान से देखना, ठीक है। मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन आप देखिएगा तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने अपना नाम चेंज कर दिया है। और इसका नाम क्या हो गया है? अब इसका नाम हो गया है IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स, चेंज इट नेम फ्रॉम IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स। द मेंबर ऑफ IAAF काउंसिल हैव अप्रूव्ड द रिब्रांडिंग एट द IAAF काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन मोनाको। तो मोनाको में एक मीटिंग हुई थी, उसमें यह डिसीजन लिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम है, इनका नाम चेंज होगा और जनवरी 2018 से मतलब ये ब्रांडिंग की जा रही थी कि नाम चेंज किया जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या आएगा, देखिए तो अभी ITTF वर्ल्ड टूर हांगकांग ओपन हो रहा था, चाइना ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, चाइना विन 4 गोल्ड मेडल एट 2019 ITTF वर्ल्ड टूर हांगकांग, ये हांगकांग में हो रहा था। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है यहां पर। और अगर आगे बढ़ेंगे तो लुईस हैमिल्टन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, ये भी आपको पता है, ये तो मैंने पढ़ाया है, तो पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली लाइन से ही काम आपका हो जाएगा। राफेल नडाल ने अपना 12वां फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया, यह भी आपको पता है, 12th फ्रेंच ओपन टाइटल, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक मेंस हॉकी सीरीज कराई थी और फाइनल मुकाबले में जापान ने मैक्सिको को 3-1 से हरा दिया और ये फाइनल मैच कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको आराम से रिवाइज का हो गया होगा, रिविजन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बिजनेस इकोनॉमी में GST की बात करेंगे। तो GST रिटर्न को और ज्यादा सिंपल बनाया जा रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम उसकी बात आपसे करेंगे। देखिए यहां पर द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू GST रिटर्न सिस्टम टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स। तो नया GST रिटर्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अ प्लान हैज बीन वर्कआउट टू ईज द ट्रांजिशन टू द न्यू रिटर्न सिस्टम। चलो ये तो कहानी है केवल, तो नया GST रिटर्न सिस्टम में क्या होगा आइए आपको दिखाते हैं। देखिए देयर आर 3 मेन कंपोनेंट, अब रिटर्न में 3 मेन कंपोनेंट होंगे, पहले 2 मेन कंपोनेंट होते थे, 3 मेन कंपोनेंट होंगे। तो द 1 मेन रिटर्न फ्रॉम GST RET1, GST RET1 एक फॉर्म होगा इसका, इसके साथ ही साथ 2 एनेक्सेसर लगेंगे, एक है फॉर्म GST Annexure 1 और एक है फॉर्म GST Annexure 2। तो देखिए आप बोलेंगे सर इसमें चेंजेस क्या हुए, तो बस आपको लर्न करना है कि अब आपका जो रिटर्न है वो 3 फॉर्म में जाएगा। एक फॉर्म है आपका फॉर्म GST RET1, उसके साथ 2 एनेक्सेसर जाएंगे, एक है फॉर्म GST Annexure 1 और एक फॉर्म GST Annexure 2। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर ले जाएंगे, तो इतना याद रखिए बस। बाकी और डीप में अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया नहीं है तो हम और इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं पाएंगे। तो बस ये याद रखिएगा कि 3 नए कंपोनेंट, 3 नए पॉइंट आ गए हैं GST रिटर्न में, एक फॉर्म GST Annexure 1, एक फॉर्म GST Annexure 2 और एक आपका GST RET1। तो ये याद करना है आपको, ठीक है। चलिए जीएसटी के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आता है। तो ये आपको पता है 101, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। जीएसटी को हम वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं, आपको ये भी पता है। आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या, हाँ देखिए जीएसटी जो है वो हमारा अभी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक सेंटर जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है, CGST, SGST और IGST।
जीएसटी का वीडियो मेरा यूट्यूब पर है, अगर आपको जीएसटी क्लियर नहीं होता है तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने जीएसटी के 3 पार्ट के वीडियोस बनाए हैं, तीनों पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको जीएसटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन डीप में चाहिए तो मेरा आप सर्च कर लीजिए जीएसटी बाय अभिजीत सर, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज है हमारे पास। यहां पर जीएसटी काउंसिल के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जीएसटी काउंसिल हमारे किस आर्टिकल में है, तो देख लीजिए आर्टिकल 279(1), ये याद करना काफी जरूरी है। और जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। जीएसटी काउंसिल जो कि जीएसटी के लिए सारे डिसीजन लेती है ये बताया जा रहा है, तो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और देख लीजिए यहां पर जीएसटी काउंसिल में कौन लोग होते हैं, तो चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अदर मेंबर फॉर्म सेंटर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। तो ये पूरे मेंबरशिप यहाँ पर दी गई है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ जीएसटी के वीडियो में, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं होता है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको जीएसटी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, 3 पार्ट में है, ये मेरी गारंटी है कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे जीएसटी को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच बैंक हैज लॉन्च कॉर्प एसएमई सुविधा अ प्रोडक्ट फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई, यानी कि किस बैंक ने जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई के लिए कॉर्प एसएमई सुविधा शुरू की है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉर्पोरेशन बैंक, ऑप्शन नंबर 2, कॉर्पोरेशन बैंक इज राइट आंसर। चलिए तो गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो टीसीएस ने ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा बड़ा काम किया है, टीसीएस का जो मार्केट वैल्यू है वो आईबीएम से ज्यादा हो गया है। TCS की मार्केट वैल्यू IBM से ज्यादा हो गई है, कितनी हो गई है आइए आपको दिखाते हैं। देखिए इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है सरपास्ड IBM इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल। द मार्केट कैपिटल ऑफ TCS स्टूड एट 8.37 लाख करोड़, मींस 120.5 बिलियन डॉलर। अगर हम कंपेयर करते हैं IBM की मार्केट वैल्यू तो 119.5 बिलियन डॉलर इनकी है अपनी। तो देख लीजिए अभी मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटल का मतलब क्या होता है, मतलब कंपनी के कितने शेयर हैं, शेयर की वैल्यू क्या चल रही है, इससे डिसाइड होता है। तो TCS ने IBM को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद कर लीजिएगा, ये जरूरी होगा। मैं तो बोलूँगा मार्केट कैपिटल भी याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू कंपेरिजन देखिए, 2018 में TCS का जो रेवेन्यू था मतलब प्रॉफिट था वो 20.9 बिलियन था, लेकिन IBM का करीब 80 बिलियन था। लेकिन 19 में TCS ने मार्केट कैपिटल के टर्म्स में IBM को छोड़ दिया है पीछे, और आई होप कि बहुत जल्दी रेवेन्यू में भी हम पीछे छोड़ देंगे IBM को। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन हैं और राजेश गोपीनाथन MD और CEO हैं। ये दोस्तों ये नाम आपको याद होना चाहिए बिकॉज हम बात कर रहे हैं TCS की, तो TCS की बात हम कर रहे हैं, तो नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन हैं और राजेश गोपीनाथन MD CEO हैं, याद करना जरूरी है ये सब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा IBM के बारे में जान लें। तो IBM का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है आप देख पा रहे हैं, और गिनी रोमेटी चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट और CEO हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके MD और CEO आपसे पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप इसे भी याद कर लेंगे। तो गिनी रोमेटी का नाम यहाँ पर हम ले रहे हैं जो चेयरमैन और प्रेसिडेंट और CEO हैं IBM के। ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर, हु टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंटरनेशनल क्रेडिट काउंसिल, तो ये भी आपको पता है क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मनु साहनी होंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए तो यहां तक हो गया हमारा क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द थाइसेन ग्रुप एलिवेटर इन अप्रैल 2019। तो एक कंपनी है थाइसेन ग्रुप एलिवेटर, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं इंडिया के लिए, ये आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मनीष मेहन ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और डेज की बात कर लें। तो कल की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर था, डे याद कर लीजिएगा, थीम याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, जून 12 इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो ये आपको पता ही है। अच्छा नीचे की कहानी हम छोड़ेंगे, हम सीधे थीम पर आएंगे, थीम क्या है। तो 12 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर देखिए द थीम फॉर 2019 इज, तो 2019 के लिए थीम क्या है, Children should not work in fields but on dreams, ये आपको याद करना है, but on dreams।
तो ये पूरी थीम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसे याद करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखिए, तो वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को सेलिब्रेट होता है, आपको यहाँ पर बताया गया है और ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको वर्ल्ड ओशियन डे का थीम भी पूछा है, अगर आपने मंडे की मेरी पूरे क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने उसमें थीम पूछी थी, थीम क्या जरा मुझे कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको पता है, और 5 जून को इसकी थीम क्या थी तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है और ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। यहां पर एक कमेंट आया कि आप लोग की पीपीटी अच्छी नहीं है, भैया कंटेंट बना ले या पीपीटी बना ले, आप कुछ दिन में बोलोगे सर आपका चेहरा ही अच्छा नहीं है, मतलब आप शाहरुख खान नहीं लगते हैं, तो यार क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्स है हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज अ यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व ऑन 4 जून। तो 4 जून को सेलिब्रेट क्या होता है, तो 4 जून को सेलिब्रेट होता है इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, तो ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको मैंने पूछा हुआ है क्वेश्चन मंडे वाली अपनी क्लास में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेशनल अफेयर्स पर, बिहार गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में एक कानून बनाया है कि ऐसे बच्चे या बच्चियां जो अपने माता पिता को छोड़ते हैं वृद्ध होने पर, तो उन पर गैर जमानती उन पर केस किया जाएगा, उनको जेल हो जाएगी। गैर जमानती का मतलब कि आपकी जमानत भी नहीं होगी, उस वो कंडीशन कर देगी बिहार गवर्नमेंट आपकी। देखिए यहां पर, The Bihar government has approved the proposal to punish son and daughter who abandoned their elderly parents with a jail term. तो clear concept clear हो गया होगा, तो आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए आपकी बिहार गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है बस, तो ये इतना पे कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर, तो बिहार के बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। बिहार को 1950 में स्टेटहुड मिली, कैपिटल इसकी पटना है, लार्जेस्ट सिटी पटना है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, गवर्नर लालजी टंडन हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड, ये सब कुछ हमने आपको बिहार का दिया है, देख लीजिए आराम से इसे और याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद ही हम यहाँ पर फेमस नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में है, विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में। ये कैमूर तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आपका, वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये दो पॉइंट तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं तो बोलूंगा आपको पूरा याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, यहां पर फेमस एयरपोर्ट देख लीजिए, तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना और एक और एयरपोर्ट है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर हैं। फेमस स्टेडियम तो मोइन उल हक स्टेडियम पटना, ठीक है। फेमस हेरिटेज साइट तो बोथी ट्री नालंदा यूनिवर्सिटी, फेमस टेम्पल महाबोधि टेम्पल और फेमस डांस छऊ, ऑप्शन तो है नहीं, छऊ याद कर लीजिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, यहां पर एक क्वेश्चन है, कन्वर लेक वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो, ऑक्सबो का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा अंडाकार और हाफ शेप में होता है, मतलब कि मतलब आप समझ लो जैसे गाय के पैर होते हैं उस शेप में, ठीक है। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। आयुष अग्रवाल ने क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश में कितने ग्रामीण बैंक हैं, कितने सरकारी बैंक हैं, कितने नेशनलाइज बैंक हैं, इनको आंसर आप लोग देंगे कि मैं दे दूं, जरा मुझे बताइएगा। राहुल बोला है नेशनल पार्क की वीडियो नहीं मिली है, कैसे नहीं मिली, मान ही नहीं सकता आप। अभिजीत सर लिखिए नेशनल पार्क आ जाएगा आपका। आंसर इज बेगूसराय, ऑप्शन नंबर 2, जहां से कन्हैया कुमार हारे हैं चुनाव और गिरिराज सिंह चुनाव जीते हैं यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेशनल अफेयर्स पे हम एक कमेटी की बात करेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को लीड कौन करेगा, हम वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन की बात यहां पर हो रही है, देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिक्स मेंबर कमेटी टू रिव्यू द इंटायर गैमट ऑफ एटीएम चार्जेस एंड फीस, मतलब कि पूरा एटीएम चार्जेस की समीक्षा की जाएगी यहां पर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन वीजी कन्नन जो है वो इस कमेटी को लीड करेंगे। ये देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 6 मेंबर कमेटी बनाई है और इस कमेटी को लीड करेंगे वीजी कन्नन। ये है कौन, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफ इंडियन बैंक, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक। कंप्यूटर जी हमारे चाहने वाले आ चुके हैं, तो थोड़ा कमेंट पर ध्यान दें, तो जरा बताएं इनको कि कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बताएं आप लोग कमेंट में, वरना लास्ट में बता दूंगा आपको। चलिए
तो ये हमारा पॉइंट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये बोला गया कि इस कमेटी को 2 महीने मिलेंगे अपने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, रिजर्व बैंक अपॉइंटेड कमेटी सबमिटेड इट्स सजेशन ऑन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट टू गवर्नर शक्तिकांत दास, हु वॉज द हेड ऑफ द कमेटी। इस कमेटी को लीड कौन करेगा? आरआरबी 56 थोड़ी ना है, अभी तो 44 है और ये 36 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस साल तक 36 में ये हो जाएंगे, रोज तो मर्ज हो रहे हैं आरआरबी। और अगर आप नेशनलाइज बैंक की बात करते हैं तो पहले हमारे देश में 19 नेशनलाइज बैंक थे, लेकिन 2 बैंक तो एक में मर्ज हो गए, तो हमारे देश में इस समय 17 नेशनलाइज बैंक हैं। और अगर आप सरकारी बैंक की बात करेंगे तो आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक बचा, तो हमारे देश में 18 हो गए बैंक, 18। तो पहले 19 नेशनलाइज बैंक थे और 2 सरकारी बैंक थे, मतलब टोटल 21 सरकारी बैंक थे, मतलब नेशनलाइज बैंक थे, आप सरकारी बोल सकते हो, लेकिन अब आईडीबीआई बैंक एक खत्म हो गया। कितना हो गया आपका? तो 20 हो गया और 2 बैंक और खत्म हो गए। तो ये सब तो यार करंट अफेयर्स है, पढ़ाते रहते हैं सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो नंदन नीलकणी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए इंश्योरेंस के वीडियोस आज आपको मिलेंगे 3 o'clock पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी ऑन डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सिंग द नेशनल मिनिमम वेज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। तो नेशनल मिनिमम वेज के लिए कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन करेगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा? जी हां, 17 नेशनलाइज बैंक है और 18 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अनूप सतपति है। अनूप सतपति ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो अनूप सतपति याद कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या होने वाला है, देखिए। चलिए, तो अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की है 100 रुपीज की, आइए इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और लाइक करो भाई, वीडियो लाइक कर दो। हाँ, देखिए, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज हाइक्ड ओल्ड एज पेंशन इन द एज ग्रुप 60 to 79 ईयर बाई 100 मंथली। तो 60 से 79 एज में जो भी ओल्ड एज लोग हैं उन्हें पेंशन मिलती है, तो पहले ये 400 मिलती थी, अब इसका अमाउंट 500 रुपये कर दिया गया है। यूपी के मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। देख लीजिए, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन में 100 रुपीज़ इंक्रीज कर दिए हैं, 400 रुपीज़ से 500 रुपीज़ पर मंथ कर दिया है। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ ही साथ इससे इस 100 रुपीज़ हाइक का जो लाभ है, ये 44.21 लाख पीपल्स को मिलेगा जो कि वृद्ध हैं और जो इस यूपी में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आगे बढ़ते हैं और अगर यूपी की बात करें तो यूपी को भी 1950 में अपना स्टेटहुड मिला था, कैपिटल लखनऊ है, टोटल डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हैं 75 है और यहाँ पे लेजिस्लेचर है बाइकैमरल, मतलब यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आगे देखें, गवर्नर राम नाइक जी हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 लोग हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य और हैं दिनेश शर्मा। अगर आप चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो अनूप चंद्र पांडे चीफ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी सिंह हैं, स्टेट एनिमल स्वैम डियर, स्टेट बर्ड सारस, स्टेट ट्री अशोका, स्टेट डांस कथक। कथक याद करना जरूरी है, उत्तर प्रदेश में कथक चलता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सारे पॉइंट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे, तो साइक्लोन की बात करें तो एक अजीब साइक्लोन आया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो साइक्लोन दिखते थे वो आपको इस साइड में, मतलब इस यहाँ पर दिखते थे, आपको इस पार्ट में दिखते थे, लेकिन ये बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि ये गुजरात महाराष्ट्र, मतलब कि अगर हम इधर बात करें थोड़ा सा गुजरात कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक साइक्लोन दिख रहा है वायु। कल मुंबई में खूब रात में बारिश हुई, थंडर स्टॉर्मिंग भी हुआ, बड़ा मजा आया। तो वायु की हम बात कर रहे हैं, वायु याद कर लीजिएगा, साइक्लोन वार्निंग की हम बात कर रहे हैं। देखिए, द वेरी सेवर साइक्लोन स्टॉर्म वायु ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी मूव नियरली नॉर्थवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर पर आवर ऑन 12 जून। तो 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आ रहा है गुजरात तट पर। देखिए, स्पीड के बारे में तो अभी इन्फॉर्मेशन में दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज जब ये पूरा प्रॉपर आ जाएगा, क्योंकि ये बोला गया है कि 13 जून तक ये टकराएगा गुजरात के सीमा से और इसकी स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर तक होने की उम्मीद है। तो बस आपको ध्यान देना है कि वायु नाम का साइक्लोन जो है वो आया है इधर आपके इस ईस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है कि कानपुर इज नॉर्थ इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री।
आंसर दें क्या इसका आंसर होगा. तो इसका आंसर लेदर होगा. लेदर इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. एक क्वेश्चन और. द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इज गिवन फ्रॉम. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है. तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन को भारत के समेकित कोष मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड से दी जाती है. एक बात और, हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशंस हैं उनको सैलरी हमेशा कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही दी जाती है, ये भी याद रख लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन की बात और करेंगे, एक पॉइंट की बात और करेंगे. देखिए आपको बस याद रखना है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड बाई 2024. तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि जो साफ पानी पीने का है वो पूरे देश में 2024 तक दे दिया जाएगा. देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ये बोला गया कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, इन स्टेटों में केवल 5% साफ पानी लोगों को मिल पाता है. सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे 99% लोगों को टैप्ड वाटर मिलता है, मतलब कि साफ पानी मिलता है. तो आपको इस पूरी कहानी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट आप याद रखिए कि 2024 तक सबको साफ पानी देने का लक्ष्य हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है. तो बस एक ईयर 2024 ही आपको लर्न करना है और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत इसमें नहीं है. तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और बात करते हैं नेक्स्ट. देखिए यहाँ पर हम साइक्लोन की बात करें या फिर हम बात करें विली विली क्या होता है. तो देखिए अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट पर इन तूफानों का नाम अलग अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सेंट्रल ईस्टर्न पैसिफिक में देखें तो इसे हम ह्यूरिकेन्स बोलते हैं. यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसे हम ह्यूरिकेन बोलते हैं. अटलांटिक ओशियन में भी इसे हम ह्यूरिकेन ही बोलते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. और अगर हम इंडियन ओशियन की बात करें तो हम साइक्लोन बोलते हैं. इंडियन ओशियन में हम साइक्लोन बोलते हैं. थोड़ा सा अगर आप आए इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड में तो इसे हम विली विली बोलते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. और वेस्टर्न पैसिफिक में हम टाइफून बोलते हैं. तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग नाम है साइक्लोन के या विली विली या फिर टाइफून या फिर ह्यूरिकेन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर. विथ विच साइक्लोन हैव अराउंड 2 मिलियन पीपल बीन अफेक्टेड इन मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड मलावी. तो अभी यहाँ पर कौन सा साइक्लोन आया था ये आपसे पूछा जा रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा इडाई. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर रिसेंट नेशनल अफेयर्स न्यूज़ की बात कर लें, थोड़ा सा रिवीजन की हम बात कर लें. तो बोला गया कि इंडिया इज मेकिंग अ डेब्यू इन द एडवेंचरस गेम ऑफ रैफ्टिंग. तो इंडिया अब रैफ्टिंग के क्षेत्र में भी आ गया है. अभी ट्यूनेसली ये एक जगह है टर्की में. टर्की में एक वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी जहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है. तो देख लीजिए वर्ल्ड राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, टर्की में हुई थी, याद कर लीजिएगा इसे भी. ठीक, आगे बढ़े. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लीड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड इन रांची. तो मैं आपको यह भी पढ़ा चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी रांची से इस बार योगा डे को सेलिब्रेट करेंगे, यह भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है. आगे बात करें, देखिए बंचा इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, याद कर लीजिएगा. बैतूल डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू हैव 0 वुडन स्टोव. मतलब यहां की जो जनता है वो पूरी एलपीजी सिलेंडर या फिर सोलर पावर्ड स्टोव यूज करती है. तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बंचा, एक गांव है, देख लीजिए ये पहला विलेज हो गया इंडिया का टू हैव 0 वुडन. ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा. मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग आई थिंक. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए गुजरात टॉप्ड द कंट्री विथ एनुअल फिश प्रोडक्शन ऑफ 7.8 लाख टन फॉलोड बाई तमिलनाडु. यानी कि फिश प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात नंबर एक पर हो गया है, तमिलनाडु नंबर टू पे हो गया है. ये भी देख लीजिए, ये सब नई न्यूज़ है जो मैं आपको पढ़ा नहीं पाया था, मैं कवर नहीं कर पाया था, तो मैं आपको इस तरह से कवर करवा देता हूँ अपने हर न्यूज़ में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और अब एक्स्ट्रा हाईलाइट की शुरुआत करते हैं. काफ़ी न्यूज़ हमारे पास है तो ध्यान से पढ़िएगा. देखिए पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट. तो निपेंद्र मिश्रा रीअपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. निपेंद्र मिश्रा को पीएम मोदी के प्रधान सचिव के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया है और इन्हें कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर की रैंक भी दी गई है. निपेंद्र मिश्रा याद करना जरूरी है आपके लिए. ठीक है, देखिए निपेंद्र मिश्रा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. पीके मिश्रा हैज ऑल्सो बीन रीअपॉइंटेड एज द एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मिस्टर मोदी. देख लीजिए तो पीके मिश्रा, निपेंद्र मिश्रा, मतलब दोनों मिश्रा लोग हैं. निपेंद्र मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं और पीके मिश्रा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर मोदी जी के अपॉइंट हुए हैं. ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए और दोनों लोग को कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग भी मिली है. ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ. चलिए
तो ठीक है, ये पॉइंट आपको, ये भावनाओं को समझने वाली बात है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, हमने पहला पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चाइना अपॉइंट वेटरन डिप्लोमेट, इनका नाम है सन वेदांग, देखिए यहाँ पे नाम है सन वेदांग, एज न्यू इन्वॉय टू इंडिया, यानी चाइना के सन वेदांग जो है ये भारत के नए दूत बनेंगे भारत में, मतलब चाइनाज अम्बेसडर टू इंडिया। क्या नाम है इनका? सन वेदांग। तो सन सूर्य और दाग, चांद में दाग होता था कल तक, आज हम सूर्य पे दाग की बात करेंगे। सुन सूर्य मतलब सन, सन और वेदांग, तो आपको कहानी आराम से याद हो जाएगी। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे कि चाइना के राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं, तो चांद में दाग नहीं, सूर्य में दाग, इस बार सोचिएगा आप लोग, तो आपको नाम याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, आपको जो पॉइंट पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने लुओ झाओ झाओहुई की जगह ली है। तो ये देखिए नाम यहाँ पर है, लुओ झाओहुई की जगह ली है इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की। तो अमिताभ घोष टू बी ऑनर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड 2018। तो 2018 के लिए अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके जो भी एग्जाम आगे होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज्ञानपीठ अवार्ड हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमिताभ घोष नाम आपको याद कर लेना है, देख लीजिए। तो अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है, और फॉर्मर गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी जी ने इनको ये अवार्ड दिल्ली में दिया है, ठीक है। तो अमिताभ घोष नाम याद रखना है, ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2018 आपको याद रखना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा का है, ये अमेरिका, ये आपका शुरू हो चुका है फ्रांस में। और यूएसए की बात करें तो यूएसए ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर। तो यूनाइटेड स्टेट ने रिकॉर्ड बना लिया है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में, इन्होंने थाईलैंड को 13-0, मतलब कि यूएस ने 13 गोल किए और थाईलैंड एक भी गोल नहीं कर पाया, ये बता रहे हैं। एलेक्स मॉर्गन ने 5 गोल किए और रोज लावले और सामंथा ने 2-2 गोल किए। तो देखो ये तब पढ़ने की जरूरत तो नहीं है आपको, लेकिन ये इतना बड़ा विन है कि ये आपको मुझे दिखाना पड़ा। तो यूएस की बात करें, थाईलैंड को 13-0 से हराया, ठीक है। अभी ये टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जीत थी तो ये न्यूज़ में आ सकती है आपके लिए, ठीक है। तो क्लियर है। तो इसके पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी का था, जर्मनी ने अर्जेंटीना के अगेंस्ट में 11-0 का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये रिकॉर्ड यूएस ने ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जापान की बात करते हैं। तो जापान हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 13,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 205.784 बिलियन येन, मतलब इक्विवेलेंट टू 13,000 करोड़, इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन। इतना ही आपको याद रखना है कि जापान जो है वो 13,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्ट करेगा। और ये एक इंफॉर्मेशन, मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जापान के जो अम्बेसडर हैं केंजी हिरामत्सु, इनके बीच में एक डेलीगेशन हुआ था, वहां से इन्फॉर्मेशन के सामने आई है। तो देख लीजिए, आप जापान की हम बात कर रहे हैं, 13,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 7। तो अर्जुन मुंडा लॉन्चेस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर एसटी वेलफेयर स्कीम। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके दरवाजे तक ऑनलाइन आ जाए। तो अर्जुन मुंडा लॉन्चेस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर एसटी वेलफेयर स्कीम। तो अभी आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अभी राइट नाउ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव किसके लिए लॉन्च हुआ? तो एसटी वेलफेयर स्कीम के लिए लॉन्च हुआ, ये आपको बस याद रखना है। पूरी कहानी एक लाइन में खत्म हो जाती है इस तरह से अगर हम याद करें तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अर्जुन मुंडा है कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये देख रहे हैं, आपको ये पता ही है, ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की। तो पेप्सिको में अभी तक एक पर्सन थे, काम कर रहे थे, इनका नाम था लक्ष्मण नरसिम्हन। इन्हें रैकेट नाम की कंपनी ने अपना CEO अपॉइंट किया है, रैकेट नाम की, ठीक है। देखिए क्या न्यूज़ है पूरी। तो ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स जायंट रैकेट बैनकिजर इन्होंने अपॉइंट किया है लक्ष्मण नरसिम्हन को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर, ठीक है। ये राकेश कपूर को राकेश कपूर नाम देखिए,
ये राकेश कपूर को रिप्लेस करेंगे, तो आप नाम याद रखिएगा लक्ष्मण नरसिम्हम, इन्हें रैकेट बैंकेशर ने अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है, तो यही नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट का एक पॉइंट था जो हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। तो आईवी सुब्बा राव टू कंटिन्यू एज सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट। तो आईवी सुब्बा राव जो है ये उपराष्ट्रपति के सचिव बने रहेंगे, देख लीजिए इनका नाम, आईवी सुब्बा राव की हम बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एम वेंकैया नायडू। तो ये भी पॉइंट आपको याद हो जाएगा, कुछ परेशानी की बात नहीं है इसमें भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर अपने। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने क्या होगी, बहुत सारी न्यूज आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए तो वेंकटेश्वरलु जो है ये अपॉइंट है हुए हैं एज अ चीफ सेक्रेटरी टू त्रिपुरा गवर्नमेंट। त्रिपुरा सरकार ने वेंकटेश्वरलु को अपना मुख्य सचिव अपॉइंट किया है, देख लीजिए ये भी न्यूज आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है यू वेंकटेश्वरलु, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा थे, मतलब ये थे, तो कप्तान सिंह सोलंकी ने इन्हें चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं यू वेंकटेश्वरलु, ये नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेला, मतलब कि खीर भवानी, ये खीर भवानी देख लीजिए। तो आपके एग्जाम में फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो एनुअल फेस्टिवल ऑफ खीर भवानी मेला जो है ये सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये भी पॉइंट आपको लर्न कर लेना है, कौन सा मेला है देख लीजिए, नाम आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ें और न्यूज नंबर 12 की बात करते हैं। तो इंडिया एंड पुर्तगाल टू सेट अप नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इन लोथल। तो लोथल जगह कहाँ पे है आपको ये पता है, तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट विल ज्वाइन हैंड विथ पुर्तगाल टू सेट अप मैरिटाइम म्यूजियम नियर एंशिएंट हड़प्पा सिविलाइजेशन एट लोथल इन गुजरात। तो गुजरात के लोथल में ये म्यूजियम बनाया जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, कल हमने आपको बताया था गुजरात में डायनासोर का भी म्यूजियम बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 13 की बात करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ग्रांट नेशनल पार्टी स्टेटस टू एनपीपी। तो एनपीपी की बात करें तो नेशनल पीपल्स पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ने नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहां पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड द नेशनल पार्टी स्टेटस टू नेशनल पीपल्स पार्टी लीड बाई मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा। तो मेघालय की ये पार्टी है, मेघालय की इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। इट बिकम द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा पाई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के मत लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेशनल पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, इनको लीड कौन करते हैं, कॉनरेड के संगमा, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज नंबर 14 की बात करते हैं। आईपीएस वीएस कौमुदी अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ बीपीआरडी। अब ये बीपीआरडी क्या है आपको नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। देखिए वीएस कौमुदी जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ये डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, देख लीजिए नाम क्या है इनका, वीएस कौमुदी, ये इतना याद कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 15 की बात करते हैं। तपन रे फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ गिफ्ट सिटी। तो आपको पता है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रही है, तो गिफ्ट सिटी के एमडी अपॉइंट हुए हैं तपन रे, ये याद कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है आपको दिखाते हैं, इन्होंने अजय पांडे को रिप्लेस किया है, अजय पांडे को। तो तपन रे की बात कर रहे थे, ये एमडी अपॉइंट हुए हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के, याद हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अपने एमसीक्यू की। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ चुका है, देखिए यहां पर। तो विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च एन अपडेटेड वर्जन ऑफ इट्स वीडियो चैट डिवाइस पोर्टल लेटर इन 2019। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फेसबुक, ऑप्शन नंबर 2, फेसबुक इज राइट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल जायंट हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर फेयरिंग ऑन वेरियस इंडिकेटर। तो किस ऑटोमोबाइल कंपनी को गोल्ड अवार्ड मिला साउथ अफ्रीका में, याद करिए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा महिंद्रा, ऑप्शन नंबर 2, महिंद्रा इज राइट आंसर, महिंद्रा हमारा सही आंसर यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट हैज ज्वाइंड द जुरासिक बैंडवैगन विथ इंडियाज फर्स्ट एवर डायनासोर म्यूजियम कम पार्क। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the announcement made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau, from which year will the single-use plastic be banned in the country? Answer kya hoga? Answer is 2021, option number 2. Next question. China will enter into a trade deal with the United States. The US has put at which percent of tariff on $250 billion of Chinese goods? So, ye bhi aapko padhaya gaya, iska answer kya hoga? Iska answer 25 hoga. Option number 2 is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम आपको बताना है वुड विजिट इंडिया इन जून टू फॉर जो फॉर रिलेशन विथ इंडिया. तो भाई अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है माइक पॉम्पियो. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज कंडक्टिंग अ बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम एट विच प्लेस विच पोर्ट. तो ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, अगर आप लोग भूले ना हो तो. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इन जून 2019? आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा युवराज सिंह. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज टॉप्ड द एटीपी रैंकिंग रिलीज इन जून 2019? यहां मेल की बात हो रही है तो आपको यह पता है कि नोवाक जोकोविक आंसर है. अगर फीमेल पूछेगा तो नोवामी ओसाका, याद कर लीजिएगा ये भी. ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. वेयर इज द 45th समिट ऑफ G7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज गोइंग टू टेक प्लेस इन अगस्त 2019? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फ्रांस होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. MHA हैज empowered, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज empowered डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी टू सेट अप ट्रिब्यूनल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज अ फॉरिनर और नॉट. इट हैज अमेंडेड द फॉरिनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. तो फॉरिनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर में किस ईयर में चेंज, मतलब कौन से ईयर का ये आदेश था इसमें चेंज किया गया? तो इसका आंसर 1964. तो अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है फॉरिनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में. आइए आगे बढ़ते हैं. विच बैंक इन्फॉर्म दैट अजय कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक हैज रिजाइन? तो आपको ये पता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया. इसका आंसर क्या होगा? यस बैंक होगा. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन बाई निसान? निसान, क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज सिनैन ओजाकोक. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी रिलीज इंडिया फर्स्ट टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट फॉर भारत स्टेज 6 नॉर्म फॉर टू व्हीलर सेगमेंट? तो आपको मैंने कल पढ़ाया था कि दिल्ली में सर्टिफिकेशन हुआ, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा. मैं आपको सीधे आंसर दिखा देता हूं उसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज IRSDC entered a tripartite agreement in June 2019 that will support the railway station development program in India? तो फ्रांस की कौन सी दो कंपनी थी? तो आपको ये पढ़ाया गया है, एक था SNCF और एक था AFD. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विथ Maldives सिविल सर्विस कमीशन मालदीव के सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए? कल मैंने आपको यह पढ़ाया था. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस. नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चौखंडी स्तूप वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर? आपको पता है, मैंने बताया था ना कि इसे नेशनल स्टेटस दिया गया है, नेशनल साइट दिया, नेशनल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है. तो ये क्या है? चौखंडी स्तूप जो है ये वाराणसी के सारनाथ में है और ये वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला डिसिप्लिन, मतलब पहला अपना उपदेश दिया था. नेक्स्ट पॉइंट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेड मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्वाइट टू अटेंड आउटरीच सेशन ऑफ तो G7 समिट. आपको पता है ए ऑप्शन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया रैंक एट विच प्लेस इन द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग 2019? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 43 होगा. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. और हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर. विच वॉल्केनो इन सुमात्रा आइलैंड रिसेंटली इरप्टेड? तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया था. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माउंट सिनाबंग. चलिए गाइस, तो मैं आपको PDF दे रहा हूँ और ये PDF ले लीजिए आप लोग. PDF आपके सामने आ चुका है, एक बार PDF से रिविजन कर लीजिएगा. हम मिलेंगे 3 o'clock पर फाइनेंशियल और इंश्योरेंस अवेयरनेस के साथ. तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं 3 o'clock पर. आपका दिन मंगलमय हो.